अड़ेदार साहब, एक बात बोलूं, इतना दिन हो गया और अपनी इतनी उम्र भी हो गई, आज तक किसी दिन मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन तू थाड़ेदार साहब ऐसा थाड़ेदार है ना कि पहली बार मारा। तुझे पता है ना थाड़ेदार साहब, कि आज से 2 साल पहले ना बिल्कुल थारी तरह ही एक थाड़ेदार साहब जहाँ पर आए थे, और साथ में वही की बड़ी खूबसूरत छोरी भी थी, वही की बीवी भी वही के साथ थी। तो वही ने हमारे साथ ऐसी हरकत की, कछु दिन बाद क्या हुआ ना, वही की छोरी वही का छोड़ के चली गई। फिर कछु दिन बाद क्या हुआ ना, वही की बीवी भी वही का छोड़ के चली गई। वह थानेदार साहब हमारे पैरों में आगे गिर गया, रोने लगा, बोलता है हमारी बीबी और हमारी छोरी को मिला दे, हमने तो कसम खा ली भाई, तारी छोरी कहाँ गई कहाँ नहीं गई हमको कुछ नहीं पता। भाई जो थानेदार साहब इतनी बड्डी बड्डी बातें करता था, ये जो जहाँ पर बैठा है ना तू, और ये जो पंखा हर 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 घूम रहा है ना, यहीं पर बेचारा इसे शहीद हो गया था। तो थानेदार साहब हमसे कोनो गलती हो गई हो तो माफ कर दो, हमारे चचा का नाम है कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, समझ रहे हो ना। अरे वकील यहाँ कागज दे दे, वकील साहब जमानत के जाए अब, राम राम। कोनो गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अच्छे इंसान है, बुरे नहीं है, है?